आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेडपूल 2 को। फिल्म शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि वेड अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है और वो बहुत उदास होता है और वो उस पूरे अपार्टमेंट को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता। उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि डेडपूल सुसाइड क्यों करना चाहता था। असल में हुआ ये था कि डेडपूल की कुछ लोगों से लड़ाई हो रही थी जो कि बुरे लोग थे, जिनमें से एक आदमी बच के भाग जाता है। उसके बाद डेडपूल अपने घर जाता है जहां वो देखता है कि जो बंदा बच के भाग गया था वो उसके घर पे होता है और वो वैनेसा को मार देता है। वो उस आदमी को तो मार देता है लेकिन चूंकि अब वैनेसा मर गई थी तो वो कहता है कि ये मेरी वजह से मरी है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं इस दुनिया में किसी भी बुरे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो लोगों की जिंदगी बगैर किसी वजह के ले लेते हैं। लेकिन वैनेसा के बगैर अब उसको जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और वो बहुत दफा खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन चूंकि उसके अंदर हील होने की एबिलिटीज होती है तो वो हमेशा बच जाता है। वो अपने पूरे अपार्टमेंट को ब्लास्ट करता है लेकिन उसके बाद उसे वैनेसा का विजन नजर आता है जो उसे कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है। उसी वक्त डेडपूल की सारी बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है। तब स्टील मैन वहाँ आता है और उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स उठाता है और अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद वो उन्हें दोबारा ज्वाइन करता है और डेडपूल दोबारा ठीक हो जाता है। अब स्टील मैन उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतने पावरफुल हो और हम सब तुम्हारी फैमिली है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो और लड़कियां भी होती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख से लेजर निकल रहा होता है और वो अपनी घड़ी को घुमाता है और उसके बाद वो एक और जगह पहुंच जाता है जहां वो दो लोगों से बात करता है और उन्हें कहता है कि मुझे बताओ कि ये कौन सा साल है। और उसके बाद वो उन दोनों को मार के उनकी गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। अब हम डेडपूल को देखते हैं जो कि उन बाकी दो लड़कियों और स्टीलमैन के साथ एक घर में रह रहा होता है और वो लड़कियां कहती हैं कि इसका कुछ पता नहीं चलता, ये कभी खुद को मारने की कोशिश करता है और कभी इसका खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। जिस पे डेडपूल कहता है कि अब मैं खुद को सुधारूंगा। ये कहते हैं कि हम सब एक अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये खुद को एक्समैन टीम का नाम देते हैं। उसके बाद हम एक ऐसे स्कूल को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं और इन सारे बच्चों में कुछ न कुछ एबिलिटीज होती हैं और स्कूल का प्रिंसिपल उन बच्चों को टॉर्चर करता है और कहता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर सको। अब स्टीलमैन को एक जगह एक वाकये के बारे में पता चलता है और वो अपनी पूरी एक्समैन टीम को वहाँ लेके जाता है और ये उसी स्कूल के बाहर की जगह होती है जहाँ उस बच्चे पे टॉर्चर होता दिखाया जा रहा था और वो बच्चा इस टॉर्चर से तंग आके बहुत एग्रेसिव हो गया था और यहाँ वहाँ उसने सब पे हमले करने शुरू कर दिए थे। एक्समैन टीम वहाँ जाके उसे आराम से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उन पे भी अटैक करता है। अब उस बच्चे के गले में एक बैंड पहना दिया जाता है और ये एक ऐसा बैंड होता है जिससे किसी की भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन तभी डेडपूल देखता है कि उसके गले पे कुछ निशान होते हैं, यानी उस बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था, जिस पर डेडपूल वहाँ मौजूद लोगों पे हमला करता है तो उसके भी गले में बैंड डाल दिया जाता है और उसके बाद उस बच्चे को और डेडपूल को एक जेल में भेज दिया जाता है जहाँ ऐसे सारे म्यूटेंट्स होते हैं जिनके गले में बैंड होते हैं और उन्हें पकड़ के रखा गया होता है। इस बैंड की खास बात ये होती है कि इस बैंड को खुद से नहीं उतारा जा सकता। अब डेडपूल की बॉडी में दोबारा से पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कैंसर का मरीज था और जब तक उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज थी उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि उसकी एबिलिटीज उस बैंड की वजह से सप्रेस हो गई थी तो उसे दोबारा दर्द होना शुरू हो गया था। और अब वो बच्चा डेडपूल को बताता है कि स्कूल का प्रिंसिपल सब पे टॉर्चर करता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी उस जगह वो आदमी आ जाता है जिसकी आंख से लेजर लाइट निकल रही थी, जिसे हमने फिल्म की शुरू शुरू में देखा था, और वो आके उस बच्चे के बारे में पूछता है और इसे वो बच्चा मिल जाता है। लेकिन डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अब उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है और लड़ते लड़ते डेडपूल एक पुल से नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके गले से वो बैंड निकल जाता है और उसकी एबिलिटीज वापस आ जाती है। अब इन दोनों की दोबारा लड़ाई शुरू होती है और डेडपूल उस बंदे पे हावी होने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस बच्चे को क्यों ले जाना चाहते हो। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पॉकेट में एक बम भी पड़ा होता है जिसे वो वहाँ पे एक्सप्लोड कर देता है और वो दोनों ही वहाँ से बाहर आके गिरते हैं। और डेडपूल को दोबारा वैनेसा अपने विजन में नजर आती है जो कि उसे कहती है कि यही चीजें तुम्हें पावरफुल बनाती है। उसके बाद उसे होश आ जाता है। अब वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं किसी भी तरह से उस बच्चे को बचा के वहाँ से बाहर निकालूंगा। हम उस जेल का सीन देखते हैं जहाँ बच्चा अभी तक वहीं था और इस बच्चे की दोस्ती एक बहुत बड़े से खतरनाक से म्यूटेंट से हो जाती है। और अब डेडपूल उस बच्चे को बचाने के लिए 5 लोगों की टीम बनाता है जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होती हैं और उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। लेकिन उस आदमी को जिसके आंख से लेजर निकलती थी इस बात का पता चल जाता है कि डेडपूल कुछ प्लान कर रहा है, जिस पर वो उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उससे ये बात निकलवा लेता है कि डेडपूल क्या करने वाला है। डेडपूल को पता चलता है कि उस बच्चे को एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और ये एक अच्छा मौका होता है कि वो उसे वहाँ से आजाद करवा दे। और अब वो सारे पुलिस कार्स पे हमला करने के लिए वहाँ जाते हैं और वही आदमी जिसकी आंखों से लेजर निकल रहा होता है वो भी वहाँ आ जाता है और वो उन लोगों से लड़ता है और वो उस बच्चे को आजाद करवाने में तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा डेडपूल को कहता है कि जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तो तुम भाग गए थे और अब मेरा दोस्त एक और म्यूटेंट बन गया है। और वहाँ एक बहुत बड़ा सा खतरनाक सा म्यूटेंट आता है जो डेडपूल की बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है। उसी वक्त वहाँ उसकी टीम की एक लड़की आती है और उसकी बॉडी के दोनों हिस्से उठा के उसे अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि डेडपूल की टांगे चूंकि उसकी बॉडी से अलग हो गई थी तो वो दोबारा ग्रो कर रही होती है और उस वक्त वो एक छोटे से
बच्चे की टांगे होती हैं। उसके बाद वो आदमी जिसकी आंखों से लेजर निकलती थी इन लोगों से मिलने के लिए आता है। तो वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम लोगों को उस बच्चे को नहीं बचाना चाहिए, ये बच्चा बड़ा होके एक कातिल बनेगा और मेरी बेटी और बीवी को भी मारेगा। मैं फ्यूचर से आया हूं और मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पे रोक दूं। और अभी वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने के लिए जा रहा है और इसके बाद उसे कत्ल करने की आदत हो जाएगी। और वो अब उन्हें ये भी कहता है कि मैं यहाँ तुम लोगों की मदद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि पहले वो बच्चा अकेला था और मैं उसे पकड़ सकता था, लेकिन अब उसके साथ वो खतरनाक सा म्यूटेंट भी है। डेडपूल कहता है कि ठीक है, हमारी टीम तुम्हारा साथ देगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं उस बच्चे को समझा के चेंज करूंगा और तुम उसे मारोगे नहीं। जिस पर इन दोनों की डील हो जाती है और वो वहां से उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। डेडपूल स्टीलमैन को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन स्टीलमैन उसके साथ आने से मना कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनकी वहाँ लड़ाई होती है और वो बड़ा म्यूटेंट किसी के भी काबू में नहीं आ रहा होता और इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। उसी वक्त स्टीलमैन वहाँ आता है और उस म्यूटेंट से लड़ना शुरू करता है। अब स्टीलमैन और उनकी टीम की दूसरी लड़की उस बड़े म्यूटेंट से मुकाबला करना शुरू करते हैं और उनकी टीम की दूसरी मेंबर अंदर जाके सारे बच्चों को बचा के बाहर निकालना शुरू करती है। और डेडपूल उस बच्चे के पास पहुँचता है। वो लेजर वाला आदमी उस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन डेडपूल कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे समझाने का मुझे मौका दोगे, जिस पर वो रुक जाता है। और डेडपूल उस बच्चे को समझाने लगता है कि तुम्हें इस प्रिंसिपल को नहीं मारना चाहिए क्योंकि तुम उसके बाद एक कातिल बन जाओगे, लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और डेडपूल को उठा के दूर फेंकता है। तो अब डेडपूल कहता है कि ठीक है, मैं अपने गले में वो डिवाइस पहनता हूँ जिससे मेरी सारी पावर्स रुक जाएंगी, अब अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं हमेशा से तुम्हारा भला चाहता था और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें बचा लूं। लेकिन उसी वक्त वो आदमी जिसकी आंखों से लेजर निकल रहा होता है वो उस बच्चे पे गोली चला देता है, लेकिन डेडपूल दरमियान में कूद जाता है और गोली डेडपूल को लग जाती है, जिस पर वो बच्चा बहुत रोता है और सारे बहुत अफसरदा हो जाते हैं। चूंकि उसके गले में डिवाइस थी तो वो हील नहीं हो सकता और मर जाता है, लेकिन सारे बहुत दुखी होते हैं और वो आदमी जिसकी आंखों से लेजर निकल रहा था वो भी बहुत दुखी हो जाता है। और उसके पास एक लास्ट चांस होता है जिसने अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए रखा था कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है, लेकिन उस चांस को यूज करके वो दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है और टाइम को रिवर्स करके वो डेडपूल की पॉकेट में एक कॉइन रख देता है, जिससे वो गोली उस कॉइन पे लगती है और डेडपूल बच जाता है। डेडपूल उसे कहता है कि तुम्हें अपना आखिरी चांस जाया नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ टाइम रुक जाऊंगा और कुछ टाइम बाद वापस जा सकूंगा, लेकिन तुमने इस बच्चे को एक कातिल बनने से रोक लिया है, तो अब मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरी बेटी और बीवी सेफ है, इसलिए मुझे अब कोई डर नहीं है। अब ये सब लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आता है और उन्हें बुरा भला कहता है, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर वहाँ आता है और उसके ऊपर से गाड़ी चला देता है, जिस पर प्रिंसिपल मर जाता है। अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि लेजर वाले आदमी की जो घड़ी होती है उसे दोनों एक्समैन टीम की लड़कियां मिलकर ठीक कर देती है और अब उसे फ्यूचर में या पास्ट में जाने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसी घड़ी को यूज करते हुए डेडपूल भी वैनेसा से मिलने जाता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।